बाप दादा ने मदम होता तुम लिखवा लेते, क्यों लिखवाओ आवाज तुमने? पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ संविधान हमारा है। कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि तेरे अंदर नेगेटिव क्यों है, अंबेडकर जी बोलेंगे नेगेटिव थॉट्स क्यों है, वो तो इतने पढ़े लिखे थे, इतनी डिग्रियां थी उनके पास, सबसे ज्यादा डिग्रियां थी उनके पास, उतने बड़े बड़े काम किए थे, उन्होंने संविधान लिखा था। तो मैं उनको एक जवाब देना चाहती हूँ भाइयों, अगर इतनी बुद्धि थी ना उनमें तो वो अपने देश का संविधान खुद लिखते, दूसरे देश से कॉपी पेस्ट नहीं करते। और रही बात कॉपी पेस्ट भी किया तो उसे ढंग से अरेंज भी नहीं किया, कितने आर्टिकल ऐसे हैं जो एक दूसरे को क्रैश कर रहे हैं। और रहे बहुत बड़े बड़े काम, तो हाँ रिजर्वेशन एक देश को कोड दे दिया है, कोड का। अगर हमारे देश में कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं है तो उसकी वजह सिर्फ अंबेडकर है, अगर हमारे देश में करप्शन है तो उसकी वजह सिर्फ अंबेडकर है, अगर हमारे देश के साइंटिस्ट या हमारे देश का मंगलयान मंगल ग्रह पर नहीं पहुंच पाता है तो उसकी वजह सिर्फ अंबेडकर है। क्योंकि जिसमें एबिलिटी होती है डॉक्टर बनने की तुम उसे कंपाउंडर बनाते हो, और जिसमें एबिलिटी होती है कंपाउंडर बनने की उसे तुम डॉक्टर बनाते हो। सभी भाई को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। एक लॉन्डी आई है चित्रा पंडित राम से टिकटॉक पे, नू कह रहे बाबा साहब ने संविधान ऐसा लिखो वैसा लिखो, अगर तेरे बाप दादा ने मदम होता तुम लिखवा लेते, क्यों लिखवाओ आवाज तुमने? पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ संविधान हमारा है, और वो इसलिए क्योंकि बाबा साहब ने लिखो। कह रही कॉपी पेस्ट करो, वहां में वो चीज डाली गई और देशन की जो वहां की बढ़िया ही तेना पटाओ संविधान। तू आज इतनी बोल भी रही है ना तो संविधान की बदौलत बोल रही है, समझ गई? जाकर पट पहले वा, अरे ना तो माफी मांग ला ना तो जोड़ ला, इतना बुरा हाल कर देंगे, बहुत बुरा। कानून के मुताबिक चलने वाले लोग हम, समझ गई ना? जय भीम, जय भीम। ज्यादा से ज्यादा जल्दी माफी मांग लियो ना तो जोड़ ला, बहुत ही मूड खराब हो रहा पूरे समाज को। जय भीम, जय भीम।